गई दिवाली की जगह होली मना रहे हैं। तो गाइस देख लो टुक टुक की पिचकारी संभाल के रखी है यहाँ पे टाइम पास मारने के लिए। पिचकारी से खेल लेती है ये यहाँ आके। ओए टुक्कू और आगे इसका मन और हो जाता थोड़ा। इधर तो दिखा दे दादी पे डालियो। हाँ अब इसको मजा आएगा होली पे। दादी पे डाल लो। मैंने करा अभी अभी जस्ट हेड वॉश और मैं सिरम अप्लाई करने लगी थी तो मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहती थी, दैट्स व्हाई मैंने ब्लॉग शुरू करा है। तो ये वाली जो मेरी अलमीरा है ये इतनी सुपर क्लीन लग रही है कि मुझे बहुत लाइक बार बार मन करता है बस ये कबर्ड खोलते रहूँ और कुछ ना कुछ चीज़ यूज़ करते रहूँ। तो चलो मैं सिरम यूज़ कर रही थी विच आई वॉज अनेबल टू फाइंड। आज तो मैं लेमन लगा रही हूँ, वैसे स्ट्रिक्स भी बहुत अच्छा है। सो गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल। आज जो है मैंने व्लॉग स्पेशली इसलिए स्टार्ट करा है बिकॉज अगर आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा तो वो क्लीनिंग के ऊपर था, दी वॉशरूम क्लीनिंग एंड द रूम क्लीनिंग। तो अब सब कुछ क्लीन हो चुका है अच्छे से और इतना ज़्यादा मतलब मेरी आवाज़ भी इको कर रही है, पता नहीं क्यों आजकल दो तीन जब से मैंने क्लीनिंग कराई ना आई एम नोटिसिंग कि आवाज़ बहुत ज़्यादा ऐसे गूंज ही रही है। मे बी द रीज़न इसके साफ सफाई हो गई है। एनी हाउ चलो आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू अपडेट अबाउट टू थिंग्स। फर्स्ट इज टुक टुक इज नॉट डूइंग वेल। दो दिन से उसको इतना ज़्यादा कफ एंड कोल्ड है। लास्ट नाइट वी वेंट टू डॉक्टर ऑल्सो और उसकी मेडिकेशन वगैरह सब लेकर आ गए और मेडिकेशन चल भी रही है। होप उसको जल्दी आराम आ जाए। सो एनी हाउ आज हमें जाना भी था एक फ्रेंड के बेबी के बर्थडे पे, वो 1 ईयर की हो गई है उनकी डॉटर से। कंग्रेचुलेशन शुभम एंड निशिका। जाना तो था बट टुक टुक की तबीयत ठीक नहीं है तो आई डोंट नो राइट नाउ हम लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे, बट आई थॉट टू गिव अ स्टार्ट एटलीस्ट कि मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ। अगर हम जाएंगे तो एटलीस्ट ब्लॉग की कंटिन्यूटी बनी रहेगी। अब अगर मेरे को देखोगे आजकल बहुत ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, मे बी बिकॉज ऑफ द PMS दैट 1 hour later पेन मैन चलाया हुआ है बच्चे ने। टुक टुक साफ करेगा कैसे करेगा? भैया कैसे क्लीन कर रहे हैं सारा, देखियो क्लीन हो गया क्लीन। पटाखा फोड़ियो, एक पटाखा फोड़ के दिखाइ। चलो एक और वन 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 मम्मा को भी मम्मा को भी। ओ ओ नहीं फोड़। पटाखा फट गया, वाइंड अप हो गया, सब क्लीन हो गया। क्या हो गया? शार्प शार्प हो गया। अच्छा मुझे शार्प कर दिया। 1 hour later. So guys, मैं हो गई हूँ रेडी, मतलब अभी रेडी नहीं हुई हूँ, ड्रेस पहले पहन ली, ये गलती हो गई मेरे से। आज ड्रेस डाल ली और मेकअप करा नहीं, तो अब मेकअप करने लगी हूँ मैं। तो मैं मिलूंगी आपसे मेकअप करने के बाद और उसके बाद बात करते हैं। सो गाइज आई एम बैक
आई नो ट्रांजिशन इतना स्मूद नहीं होगा जैसे मैंने सोचा होगा, बट पता नहीं आई एम लाइकिंग इट. तो आप लोगों के लिए जस्ट मैं आजकल ऐसे करके कुछ ट्राई करी हूँ. एनी हाउ चलो फटाफट मेकअप देख लो, मैं जा रही हूँ हस्बैंड और टुक टुक गाड़ी में है ऑलरेडी, और नेल पेंट अब कार में ही लगाऊंगी मैं. ऐसे कुछ फ्लोर लेंथ डाला दिखा देती हूँ. ये है कुछ फ्लोर लेंथ में मेरी ड्रेस विच आई एम वेयरिंग, और चलो अब चलते हैं, बहुत लेट हो गया. बाय. Guys, I'm back. मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ बिकॉज टुक टुक इज नॉट वेल, शी इज हैविंग कफ एंड कोल्ड बहुत ज़्यादा. सो आई एम गोना रिमूव माई मेकअप नाउ. सो गाइज हम आ गए हैं वापस, ज़्यादा देर रुके भी नहीं बिकॉज टुक टुक की तबीयत ठीक नहीं है. शी इज हैविंग कोल्ड एंड कफ बहुत ज़्यादा. अब उसको जो है नेबलाइज कर रहे हैं मेरे हस्बैंड. तो मैंने सब ज़्यादा ब्लॉग भी नहीं करा, जितना था वो मैंने पॉसिबल करा आप लोगों को शो करने का. और पता नहीं मन ही नहीं कर रहा था व्लॉग करने का फ्रैंकली, बिकॉज मे बी मेरे माइंड में ना बैक ऑफ माइंड में टुक टुक ही चल रही थी कि अब घर जाकर उसको नेबलाइज करेंगे. हम को ना क्या चाहिए मैं नेक्स्ट व्लॉग. प्लीज़ व्लॉग को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना. मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी. बाय बाय.